श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मन और इंद्रियों को वश में करने की सही विधि क्या है? तो भगवद गीता के अध्याय 2 में प्रभुपाद जी श्लोक संख्या 61 और 67 में बताते हैं कि हमको राजा अम्बरीश के जीवन से ये चीज सीखनी चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कैसे करते हैं। तो राजा अम्बरीश ने अपना जीवन कैसे जिया, आइए जानते हैं। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थित कर लिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त को प्रणाम करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांव को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, अर्थात अपनी समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित में लगाना ही इनको वश में करने का सही और सरल तरीका है। हरे कृष्णा।